और यह पहली गेंद पे पहली रन आसानी से चुराया एक रन और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा अनुपम द्वारा। और यह पंकज जी का दूसरी गेंद और हल्के हाथों से खेला है एक रन के लिए। अभी तक शानदार गेंदबाजी पंकज पाटिल द्वारा। और ये ओवर की तीसरी गेंद और ये उठा दिया है स्टेट में चार रन के लिए, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। शानदार शुरुआत। और खेल दिया है एक रन के लिए। बहुत शानदार गेंदबाजी। और हमारे अनुपम जी बहुत तेज तेज चल रहे हैं। गजब की गेंदबाजी, गजब की गेंदबाजी, क्या छकाया है बैट्समैन को। एक ओवर की समाप्ति पे 9 रन, गुरुजी 11। यहां पे दूसरी ओवर संबो द डिस्ट्रॉयर और ये ओवर की पहली गेंद। ओ हल्के हाथों से खेला है गैप पे, लेकिन एक ही रन मिलेगा। मुझे लगता है गुरुजी 11 को थोड़े हाथ खोलने चाहिए। पावर प्ले की शुरुआती घड़ी है, अगर फायदा नहीं उठाए तो काफी पीछे रह जाएंगे। और ये बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन ओ मिस फील्ड, पीछे एक रन छूटेगा। फिर भी एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी बैट्समैन को। और ओवर की तीसरी गेंद, ओ मार दिया है, कोई बका रही। और ये चार रन, शानदार बल्लेबाजी। ओ बीट हुए, साइड में हट, साइड में हट, हटिया दिख नहीं रहा, हटिया साइड। ये चौथी बोलना। और ये थर्ड मैन की तरफ सिर्फ एक ही रन मिलेगा।
थोड़ा और फाइन शॉट्स खेलने पड़ेंगे। अभी तक 5 गेंदें हुई है और ये ओवर की आखिरी गेंद, और ये उठा दिया है फील्डर नीचे, और ये सफलता, थोड़ा चूके जरूर लेकिन, और ये विकेट मिली शंभू द डिस्ट्रॉयर को। 2 ओवर की समाप्ति में 16 रन और यहाँ पे हट जाओ, सबके सब साइड हट जाओ, और एक जन यहाँ पे कोई भी आ जाओ अपना मतलब प्लेयर का नाम वगैरह बताने के लिए। अरे तीसरा ओवर कौन फेंक रहा है भाई, तीसरा ओवर कौन फेंक रहा है, ये सुमित क्या, सुमित मिश्रा, सुमित मिश्रा लेके आ रहे हैं अपनी तीसरी ओवर टीम की। ओ हल्का शॉट्स लगा रहे हैं और एक रन ही मिलेगा। अभी तक वापी वॉरियर ने जो खेल दिखाया है, गजब का खेल दिखाया है, पूरा बांध के रखा है गुरुजी इलेवन को, हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है। अब जमा होगा इधर, और ये दूसरी गेंद, ओ उठा दिया है, देखते हैं फील्डर नीचे है, और ये विकेट, खतरनाक गेंदबाजी शंभू का, बेहतरीन कैच, ये गिव एंड टेक चल रहा है उनकी उनकी गेंद में, सुमित ने पकड़ा था और मिस फील्ड, और ये ओवर की चौथी बॉल, ओह स्ट्रेट ड्राइव खेला है, कोई फील्डर नहीं, और ये 4 रन के लिए।
और ये पांचवी गेंद हल्के हाथों से खेला है थर्ड मैन की तरफ से एक रन के लिए, और उनके प्लेयर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए प्रशांत मार, लेकिन आखिरी गेंद ना, और ये ओवर की आखिरी गेंद, फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं, तीन ओवर की समाप्ति पे 24 रन और दो विकेट का नुकसान। साढ़े सात रन का रन रेट, बिल्कुल ही न्यूनतम रन रेट है यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्राउंड है यहाँ पे कुछ देर पहले ही एक मैच हुआ था जिसमें दो ओवर में दूसरी टीम ने जीत हासिल कर ली थी, इस प्रकार की थोड़ी अभी गेयर बदलनी पड़ेगी गुरुजी इलेवन को बल्लेबाजी में। और मैदान का जो आउटफील्ड है वो काफी तेज है, अगर स्ट्रेट में आप मार रहे हो तो फील्डर को कोई मौका नहीं मिल रहा है पकड़ने के लिए। और निखिल यादव हमारे स्टार प्लेयर है, खेला है और सिर्फ एक रन मिलेगा। गजब की फील्डिंग, गजब की फुर्ती अनुपम द्वारा, क्या बात है, इसी तरफ से टीम का कोऑर्डिनेट करेंगे तो जरूर वापी वॉरियर जीतेगी। और ये दूसरी गेंद, और स्ट्रेट में खेल दिया है लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। कमाल का रनअप है निखिल यादव का, गजब की गेंदबाजी, दो गेंदों में दो रन, अभी तक बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। और ओवर की तीसरी गेंद, समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। सिगरेट डाल, वाइट गेंद, दिशा से भटके, दिशा ही गेंद दादी, और बहुत ही बढ़िया खेल दिया है लेग साइड की तरफ से, और ये चार रन। आउटफील्ड इतनी तेज है कि प्लेयर खड़े के खड़े रह जाते, कुछ करने का मौका नहीं मिलता, बट गजब कमाल की गेंदबाजी, नाइस, दर्शनीय गेंदबाजी हो रही है। हालांकि ये ओवर में एक चौका आ गया है, वाइड गेंद और छूटा है। अगर इस तरह से करके आप अपनी टीम का एक्स्ट्रा रन खर्चा कर रहे हैं तो शुरू के दो तीन ओवर जो बहुत ही बेहतरीन हुए हैं उस पर आप पानी फेर देंगे। मेरे लगता है कुछ अलग करने का ट्राई कर रहे थे निखिल यादव। 34 रन, बॉलर का नाम क्या है? फिर से एक दफा शंभू द डिस्ट्रॉयर, लगभग ही पिछली ओवर में एक विकेट लिया था, काफी बेहतरीन विकेट हासिल किया था। बराबर एक नहीं भाई, हट जाऊं। ओवर कौन सी, चौथी ओवर है ना, पांचवी। और ये ओवर की पहली गेंद, कुछ कर नहीं भाई, हल्का शॉट लगा सिर्फ एक रन के लिए, और ये फिर से, लेकिन इस तरीके से एक्स्ट्रा रन नहीं खरीदना चाहेंगे।
वापी बैरियर ये ओवर की दूसरी गेंद और उठा दिया है, देखते हैं कहां तक जाए। और ये 6 रन के लिए गजब का शॉट, गजब की टाइमिंग। यहाँ पे सन्स है बना हुआ है, वाइट है कि नहीं वाइट है वो एम्पायर का कॉल रहेगा। और ये वाइट दिशा से भटके, एक छक्का लगने के बाद प्रेशर महसूस कर रहे हैं शंभु, इसलिए बल्लेबाज से गेंद को दूर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये एक वाइड। और ये उठा दिया है, वंस अगेन फील्डर नीचे से 2 रन। ये ओवर की आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन हल्का शॉट लगा और एक एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। कितना हुआ? 5 ओवर की समाप्ति पे 46 रन और 2 विकेट खो चुके हैं अब तक गुरुजी 11। और ये आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं निखिल यादव। ओवर की पहली गेंद और खेला है लेकिन एक ही रन से संतुष्टि और 2 रन, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये ओवर की दूसरी गेंद, बीट हुए, कमाल की गेंदबाजी निखिल यादव द्वारा। रन हुए हैं अब तक, जरूर अपनी टीम में 70 रन जितने तक पहुंचने की कोशिश करेंगे गुरुजी 11। सिर्फ 1 रन इससे काम नहीं चलेगा, कुछ बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे अगर टीम का स्कोर बोर्ड बढ़ाना है तो। और ये 2 रन, और ये उठा दिया है फील्डर नीचे और ये ड्रॉप कर दिया, बहुत ही आसान कैच,
और ड्रॉप किया और चार रन। खामी आजाब उगत्ता पड़ेगा इसका, देखते हैं आगे की तीन गेंदों में। हेलो, आज का जो टूर्नामेंट है वो VMRC की ओर से आयोजित किया गया है, जिसका दूसरा मैच चल रहा है। पहला मैच KRC 11 ने जीत लिया है, दूसरा मैच अभी वापी वॉरियर्स और गुरुजी 11 के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें गुरुजी 11 ने 62 रन का 62 रन का लक्ष्य रखा है वापी वॉरियर्स के लिए। आज के टूर्नामेंट के जो मुख्य मेहमान है, चीफ गेस्ट है, वो सी डॉक्टर तुषार सर और डॉक्टर आशा मैडम, उनका बहुत बहुत स्वागत है और अपने अपना कीमती सामान लेकर के वो यहाँ पे आए, उनके हम आभारी हैं। गुरुजी 11 के कप्तान से विनती है कि हो जो है जय सु गई एक प्लेयर ओछो छे सलामी बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं अजय और निखिल। सिक्सटी टू रन का लक्ष्य रखा है वापी वॉरियर्स के लिए। सलामी बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं निखिल और अजय, और ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, ज्यादा आसानी है, क्योंकि निखिल जिस प्रकार के बल्लेबाज है ये स्कोर काफी छोटा लगेगा उनके सामने। और ये मैच बिगेन, भाई पहला ओवर कौन फेंक रहा है, नाम बताओ यार, बॉलर नेम, बॉलर नेम प्रशांत। यहां पे प्रशांत अपनी पहली ओवर लेके आ रहे हैं,
और उनका सामना करेंगे निखिल यादव। ओवर की पहली गेंद और यह बहुत ही बढ़िया खोल दिया है चार रन के लिए, कोई मौका नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, निखिल जो जिस प्रकार के खिलाड़ी है उन्हें बांध के रख नहीं सकते आप, और मुझे जिस प्रकार से लग रहा है उन्होंने इरादे साफ कर दिए कि तीन ओवर के अंदर ही मैच समाप्त करना चाहेंगे वो। इरादे साफ कर दिए हैं अपने, बक्सा नहीं जाएगा किसी भी गेंदबाज को। और ये फिर से खेल दिया है पकड़ और ये मिस फील्ड और ये आउटफील्ड, इतनी तेज है देखते फील्डर चेस कर रहे हैं। और ये चार रन के लिए, दो गेंदे दो चौके, मिस फील्ड और खामियाजा भुगतना पड़ा चार रन के लिए। गजब का शॉट, गजब का लय। दो गेंदे दो चौके, और प्रशांत अपनी तीसरी गेंद लेके आते हुए, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन सेफ, थर्ड मैन की तरफ से खेला था, कोई रन नहीं। ये ओवर की चौथी गेंद, ओह एक रन के लिए हल्का शॉट लगा, खेलना चाहते थे ऑफ स्ट्रेट ड्राइव लेकिन मारना चाहते थे कहीं और, लगा कहीं और। अभी स्ट्राइक पर अजय आए हैं, अजय शर्मा, ये सिलवासा के घातक बल्लेबाज है, जितना मैंने देखा है इनका भी स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर ही रहता है। अगर इन्हें पुल शॉट गेंदबाजी बिल्कुल ना करे, क्योंकि रोहित शर्मा के छोटे भाई है ये, सीधा उड़ा देंगे छह रन के लिए, तो बल्ले बॉलर की ध्यान रखे अपना। अभी चौथी गेंद प्रशांत लेके आते हुए, पांचवी माफ करना, और ये मार दिया लेकिन ओ बेस फील्ड, ये कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा देखना पड़ेगा इन्हें। इतनी प्रशांत की गेंदबाजी में कोई कमी नहीं लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है। कैच ड्रॉप किया, देखते हैं कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका, क्योंकि अजय को एक मौका देना मतलब मैच खत्म करना। ओ घुमा के मारा हेलीकॉप्टर शॉट चार रन के लिए, कोई मौका नहीं। क्या गजब का शॉट, दर्शनीय शॉट। एक ओवर की समाप्ति पे 14 रन।
जाओ। और ये हल्के हाथों से खेला एक रन के लिए। कीपर, कीपर बॉलर का नाम बताए। कीपर, ओके। अक्षय का ये पहली गेंद में एक रन और स्ट्राइक पे अभी अजय शर्मा। पिछली बार पिछली ओवर में उन्हें जीवन दान मिला था, देखते हैं क्या कुछ करते हैं अपने टीम के लिए। और ये उठा दिया है फील्डर नीचे और एक दफा फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ। दो जीवनदार आज, दो जीवनदान, एक रन। ये ओवर की तीसरी गेंद और ये उठा दिया स्ट्रेट में, कोई मौका नहीं होगा, फील्डर काफी दूर। और ये छह रन, गजब का शॉट, कमाल का बल्लेबाजी का।
निराश होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में, इसलिए इस विकेट का खोना कोई उतना उन्हें खलेगा नहीं। अजय, स्कोर अनुज, स्कोर और यही ओवर में खत्म करना चाहिए, और ये उठा दिया है, देखते हैं फील्डर नीचे, और एक विकेट, बैक टू बैक विकेट, देखते हैं हैट्रिक है, अभी देखते हैं क्या कर सकते संजय भाई ने अपना विकेट खोया। 251 का इनाम है, टूर्नामेंट की फर्स्ट हैट्रिक, 251 का इनाम है, देखते हैं 251 का रिवॉर्ड है, और ये ऑन हैट्रिक पे होंगे हमारे गेंदबाज, देखते हैं क्या कर सकते हैं इस गेंद में। जब दो गेंदों में दो विकेट, और ये तीसरी गेंद ओवर राउंड द विकेट करते हुए, और उठा दिया, और ये 6 रन के लिए मैच फिनिश कर दिया है। गजब की बल्लेबाजी, क्या अर्धशतक आया है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, और इसी प्रकार से वापी वॉरियर ने अपना मैच जीत लिया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू वापी वॉरियर्स एज वेल एज निखिल फॉर कंप्लीटिंग हिज 50। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एवरीवन चीयर अप फॉर हिम। टूर्नामेंट के दूसरी मैच है जो वापी वॉरियर्स ने जीत ली है, और उसमें बहुत ही बड़ा योगदान निखिल का रहा है, जो कि आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दो ओवर बचा दिए उन्होंने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस निखिल एज वेल एज वापी वॉरियर। आज के टूर्नामेंट के पहली मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो अखिलेश है, और दूसरी मैच में बिल्कुल कोई शक नहीं होगा निखिल, और दूसरी मैच के मैन ऑफ द मैच है निखिल।